बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला और कहा जितने दिन कमलनाथ सत्ता में रहे उन्हें सिर्फ कुर्सी और तिजोरी की चिंता रही। सिंधिया ने कमलनाथ को गद्दार बताते हुए कहा कमलनाथ ने पूरे मध्य प्रदेश के साथ गद्दारी की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के निशाने पर कमलनाथ और कांग्रेस रहे। बीजेपी नेता सिंधिया ने कहा कमलनाथ के राज में विकास और प्रगति को लेकर पूरे प्रदेश के साथ गद्दारी की गई। कमलनाथ ने सिर्फ कुर्सी और तिजोरी की चिंता की। सिंधिया ने कमलनाथ के काफिले पर हुए हमले को गलत बताया और कहा लोकतंत्र में यह ठीक बात नहीं है। सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा उन्होंने हर क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया है, उनके पास कोई कार्य ले जाओ वो हो जाता है। एक कदम जब नहीं उठाया गया, मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही थी और वो आज प्रचलित है। जब 5 महीने की सरकार में शिवराज सिंह जी ने ग्वालियर को भी, जो कहते थे ना कि पैसा नहीं है कमलनाथ जी, पूरी तिजोरी खोल के ग्वालियर के लिए भी और हर क्षेत्र के लिए, पूरे प्रदेश के लिए योजनाएं दी। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में जिनके यहाँ कार्य ले जाओ तो संभव कार्य भी असंभव हो जाता है। कल कमलनाथ, और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कार्य ले जाओ तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। देखिए, किस प्रजातंत्र में किसी के भी काफले पर हमला होना निंदाजनक। मैं सदैव स्पष्टवादी इंसान हूँ, मैंने सदैव आप लोगों के साथ और जनता के साथ एक स्पष्ट रिश्ता रखा। राजनीति में, प्रजातंत्र में हम लोग आमने सामने जरूर होते हैं। आप अपना पक्ष रख सकते हैं, कोई और अपना पक्ष रख सकता है और वो पक्ष रहने का पूर्ण अधिकार दिया जाता है, पर राजनीति का भी एक स्तर होना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।